आहत भाई आ रहे हैं जी, वाह जी वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बचपन में जाया करते थे हम रिक्शा पे, लेकिन जब से मोटरसाइकिल आया तब से बहुत देर के बाद, मतलब बहुत अरसा के बाद रिक्शा पर बैठे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है रिक्शा पर सफ़र करने का। और दोस्त का रिक्शा हम जा रहे हैं, ज़रा जिसका कोई काम वगैरह करवाना है वो करवाना है, फिर आप आगे भी आपको बहुत कुछ है वो भी बताएंगे। Baby up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun, could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change but we're the same, even if I lost my mind. पहुंचाए हैं जी कोटला, और ये इसकी ब्रेकें सही करवानी है, उसके बाद इसका ऑयल चेंज करवाना है। यहाँ पर शोर यार काफ़ी ज़्यादा है, काम कर रहे हैं लोग साइड में, उधर पुराना ऑयल निकल रहा है और ये न्यू ऑयल है, ये चेंज होगा। क्या नाम है इसका? ओल्टेक्स है। ओल्टेक्स ज़बरदस्त है ये वाला। और एक और मसला हो गया, लंगड़ियार चौक जाना पड़ गया, कोई काम है उधर से भी वो करवा के फिर आते हैं। खैर पौधे तो उन्होंने लगा दिए खूबसूरती के लिए, और एक जो सबसे बड़ी अहम बात है जो मुझे समझ में आई, यहाँ पर जगह क्या, जगह बहुत कम है कोटला रतिहान में। ये आप देख सकते हैं साइडों पर भी, दोनों तरफ जहाँ पर देखें कोई गाड़ी पार्क कर गया है, कोई अपना मोटरसाइकिल पार्क कर गया है, कुछ दो गाड़ियाँ एक दफ़ा गुजरने की जगह ही नहीं होती। अब भी आप ये देख सकें बिल्कुल ये थोड़ा सा रोड है। जी अभी हम रिक्शा का सारा काम करवा कर अगर जा रहे हैं, तो आहत मेरा दोस्त है तो इसके साथ मैं आया हुआ था ज़रा रिक्शा का काम करवाने के लिए, और तकरीबन हमें यहाँ पर दो तीन घंटे मैक्सिमम लग ही गए हैं। और अहद सही ड्राइवर बन चुका है, तो मैंने इसे बोला कि यार मुझे भी ये चलाना सिखा दो, तो कहते हैं इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सीख जाओगे आप भी। मैंने चलाने की कोशिश की है, लेकिन इसका जो हैंडल है काफ़ी ज़्यादा भारी है, वो एक साइड पर ही ले जाता है, उसके लिए तजर्बे का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी आपको बात पीछे हवा की भी और रिक्शा की भी आ रही होगी, तो मेरा ब्लूटूथ घट पड़ा रहा है इसलिए उसकी बैटरी लो थी, अगर वो मैं ले आता साथ तो वॉइस का प्रॉब्लम नहीं था ना। तो अभी इन्होंने लिया है तकरीबन एक साल हो गया रिक्शे को लिए हुए, और ये अपना दुकान का भी सौदा वगैरह लेकर आते हैं और खुद भी इसे ड्राइव करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये ठंडी हवा लग रही है, तो थोड़ी थोड़ी ठंडक भी महसूस हो रही है। तो अभी मैं आपको रिक्शा भी दिखाता हूँ सारा कैसा है, और कहाँ कहाँ से ये वीक था वो हमने जो भाई के साथ जाकर सारा सही करवा दिया है। तो अभी थोड़े बहुत रिक्शा के शार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, तो फिर ब्लॉग का एंड करेंगे।
ये देखिए माशाल्लाह छोटी छोटी गंदम भी निकलना स्टार्ट हो गई है। ये आपको नज़र आ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ से व्यू नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा चलें ये भी आपको दिखा दें। ये देखिए माशाल्लाह जहाँ तक नज़र जाती है खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई देती है। ये आप देखिए माशाल्लाह। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।